नमस्कार, सिटी न्यूज बरेली में आपका स्वागत है। मैं अंश माथुर, आइए डालते हैं नजर आज के समाचारों पर। ये बरेली शहर का उस वक्त का नजारा है जब टीवी चैनलों पर जल्दबाजी के चलते बुधवार को बरेली में लॉकडाउन की धज्जियां उड़ गईं। बरेली में सील होने की खबर इतनी तेजी से वायरल हुई कि लोग सामान खरीदने के लिए बाजारों में उमड़ पड़े। किराना हो, सब्जी, दूध, ब्रेड, दवा की दुकानों पर भारी भीड़ देखने को मिली। ना तो लोग सोशल डिस्टेंसिंग को ध्यान में रख रहे थे और ना ही मुंह पर मास्क लगाए नजर आ रहे। बिक्री का सिलसिला इतनी तेज चला कि कई दुकानों पर तो स्टॉक कुछ ही मिनटों में खत्म हो गया। लोगों की हड़बड़ी देखकर ऐसा लग रहा था कि आज के बाद बाजार में कोई जरूरत का सामान मिलने की संभावना ही नहीं रहेगी। इसके साथ पेट्रोल पंप पर भी लोगों की काफी भीड़ देखने को मिली। लंबी लंबी कतारें नजर आई। मतलब बेमानी है जो जैसे ही जनता तक ये खबर पहुंची कि लॉकडाउन की जो रेखा है, जो एक लक्ष्मण रेखा जो मोदी जी ने 21 दिन की खींची थी, वो जैसे ही और बड़ी है, उसके बाद लोगों में अफरा तफरी का माहौल देखा जा सकता है। यहाँ पर कुछ लोग हमारे साथ खड़े हुए हैं, जानते हैं कि किस तरीके से वो तैयारी में जुटे हुए हैं। क्या नाम आपका? नाम मोहम्मद अली कुरैशी है। मैं भी अपने निवास पे घर के अंदर था, लेकिन ये पता चला लॉकडाउन का टाइम बढ़ा दिया गया है, जिसकी वजह से क्षेत्र के लोग जो थे उन्होंने सोच तो उनको ये पता चला 15 तारीख तक जो है कर्फ्यू लग रहा है, निकलने नहीं देंगे। इसकी वजह से जनता जो है सामान खरीदने के लिए निकल गए, घर की जरूरी चीज़ें लेने के लिए। तो देख सकते हैं कि लगातार जनता में ये खौफ बना हुआ है कि लॉकडाउन है, कर्फ्यू जैसी स्थिति कायम होने वाली है जिले के अंदर, प्रदेश के अंदर। तो इससे निपटने के लिए हर कोई घरों से निकल चुका है और दुकानों पे भीड़ देखी जा सकती है, चाहे वो आटे की दुकान हो, चाहे वो सब्जियों की दुकान हो, मेडिकल हो, हर जगह इस समय भीड़ नजर आ रही है। और लोगों में कहीं ना कहीं ये अंदेशा भी बना हुआ है कि कहीं स्थिति और भी ज़्यादा गंभीर तो नहीं हो रही, जिसकी वजह से शासन प्रशासन ये कदम उठा रहा है। बहुत ज़्यादा लोग निकल आए हैं, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। माननीय सरकार पे, मुख्यमंत्री जी पे और प्रधानमंत्री जी पे अपने विश्वास रखना चाहिए और जनता इकट्ठा सामान ना ले। जो दवाइयों के लिए लोग ज़्यादा टूटे हैं, लेकिन दुकानदार जो है यहाँ के, आप देख रहे हैं कोई भी सोशल डिस्टेंसिंग का फॉलो नहीं कर रहा है। उसको लेकर अचानक निकलना पड़ा आपको, क्या कारण रहा इसके पीछे? मेडिसिन, सबसे मेन कारण मेडिसिन जी। घर में बच्चा बीमार है तो सबसे पहले दवाई लेने के लिए बहुत जरूरी है। क्यों वजह? कल भी तो खुलेंगे मेडिकल, तो टी वी वगैरह में तो ये दिखाया जा रहा है कि कल हॉट लॉकडाउन हो जाएगा पूरा, दवाई की दुकानें भी नहीं खुलेंगी। राशन पानी बड़ी दिक्कत आ रही है, लाइने लगी हुई है बहुत, जनता बड़ी परेशान है। नहीं, अचानक जो भीड़ एकदम अचानक कैसे निकली है? एकदम अचानक इसलिए न्यूज में बता दिया कि यार कल के बाद मिलना ही नहीं है कुछ, सब कुछ डाउन है। 12 बजे के बाद कुछ नहीं मिलेगा, 12 के बाद कुछ नहीं मिलेगा। नहीं, क्या वजह रही आज लॉकडाउन चल रहा है उसको लेके आज सब्जी लेने आप एकदम अचानक आए सब लोग जी? लॉकडाउन चल रहा है, इस चक्कर में सील होने जा रहा है, हमें पता चला न्यूज आई है कि 12 बजे सील हो जाएगा, इस चक्कर में हम लेने आए हैं। भैया दवाई जो लोग बीमार हैं उनके लिए लेनी है, प्लस राशन जो जो अधूरा है वो पूरा करके रख रहे हैं, क्योंकि आगे हम निकल तो पाएंगे नहीं, और मार्केट सारी बंद कर रहे हैं। जो न्यूज़ मिली है हमको, कहाँ से, कौन से चैनल से न्यूज़ चली? सर अभी जो टीवी पे लोग बताया कि ये जो लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है आपसे भैया। वहीं लगातार मार्केट में जाकर पुलिस ने लाउड स्पीकर के माध्यम से लोगों को समझाया। लॉकडाउन में घर बैठे पाएं अपनी जरूरत का सामान। www.lockdownseva.in पर आप संपर्क करके अपनी जरूरत की दवाइयां और राशन घर पर ही मंगा सकते हैं।
इसके साथ ही समस्त दुकानदार भाई इस पर रजिस्ट्रेशन करके अपनी दुकान को इस वेबसाइट पर रजिस्टर्ड कर सकते हैं। लॉकडाउन सेवा जो एक हमने वेबसाइट जो बनाई है एसडी वेब सॉल्यूशन ने, तो इसमें क्या हो रहा है कि ये वेंडर और जो हमारे यूजर है उन दोनों के लिए ये एक वेबसाइट हमने डिजाइन की है। इसमें क्या हो रहा है कि यूजर अपना रजिस्ट्रेशन करके अपने जो जरूरत की सामान है जैसे मेडिसिन और परचूनी का जो भी सामान है उसको लेने के लिए लोगों को तकलीफें बहुत ज्यादा हो रही हैं और जहाँ पर बहुत लंबी लंबी लाइनों में लगना पड़ रहा है, इससे बचने के लिए हमने एक वेबसाइट को रेडी किया जिसमें वेंडर फ्री ऑफ कॉस्ट अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन करने के बाद वो ऑटोमेटिकली आपके पैनल में आपकी सिटी में वो दिखने लगेगा और इससे जो भी यूजर होगा उसमें जाके अपना को रजिस्टर करे। रजिस्टर करने के बाद उसमें आपका जो भी जरूरतमंद का सामान है उसमें ऑप्शन दे रखे होंगे, FMCG का दे रखा है, मेडिकल का दे रखा है, प्रिस्क्रिप्शन का दे रखा है, वो उसमें डालेंगे तो वो डायरेक्टली जो भी आप वेंडर सेलेक्ट करेंगे उसके बाद आपकी इंक्वायरी डायरेक्टली पहुंच जाएगी और वो उसके पास मैसेज के द्वारा अलर्ट आ जाएगा और वो आपका जो भी सामान होगा अपने बिल के अकॉर्डिंगली उसकी फोटो खींच के वो आपके पास सेंड उसी सॉफ्टवेयर के माध्यम से आपके पास आ जाएगा और आप उसको वेंडर जो भी होगा उसको रेडी करके आपके घर तक आपको डिलीवर कर देगा, आपसे जो भी अमाउंट होगा वो आपसे कलेक्ट कर लेगा।